कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर संग हुई रेप और मर्डर की शर्मनाक घटना से पूरा देश सहम गया है। इस घटना ने देश की जनता को हिलाकर रख दिया है। जूनियर डॉक्टर संग हुए इस अपराध ने साल 2012 में हुए निर्भया रेप और मर्डर केस की याद दिला दी है। ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए अब जनता के साथ साथ बॉलीवुड सितारे भी उतर रहे हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर से लेकर मलाइका अरोड़ा और आलिया भट्ट समेत फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारे ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जहां कुछ सेलेब्स देश में महिलाओं की स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ सितारों को 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस की याद आ गई है। एक्ट्रेस करीना कपूर ने रेप की घटना पर रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 12 साल बीत गए लेकिन वही कहानी और वही प्रोटेस्ट, हम अभी भी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर संग रेप की शर्मनाक घटना पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। आलिया ने कहा, एक और क्रूर बलात्कार, यह एहसास दिलाने का एक और दिन कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यह एक और भयावह घटना हमें यह याद दिलाने के लिए है कि निर्भया कांड को एक दशक से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। एंटरटेनमेंट न्यूज के अनुसार करीना कपूर और आलिया भट्ट के अलावा रिमी सेन ने कोलकाता रेप केस और हत्या के मामले में आरोपी के लिए मृत्यु दंड की मांग की है, तो वहीं एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने भी आरोपी को दुत्कारते हुए फंदे से लटकाने की मांग की है। एक्टर आयुष्मान खुराना ने डॉक्टर के साथ हुई इस घटना के बाद एक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने लड़की होने के दर्द को बयां किया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या लिखा। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती, काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती।